नमस्कार भावना किचन एंड आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में कि 27 को है या 28 को। तो अनंत चतुर्दशी 28/9/2023 बृहस्पतिवार को अनंत चतुर्दशी है। इसकी व्रत कथा हम बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। सतयुग में सुमंत नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। सुमंत मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब वह रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान का की पूजन करते दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महात्म जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों उनके घर धन धान से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा कि तुमने मुझे बस में करने के लिए यह सूत्र बांधा है। शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के में मद अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा। अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म व अपराध का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ने ऋषि से अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय किया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वो उनसे अनंत देव का पता पूछते जाते। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने का उद्यत हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें आकर आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुम जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया, यह सब उसी का फल है। इसके पर प्रायश्चित हेतु तुम्हें 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्ववत सुखी समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया। भगवान ने आगे कहा, जीवन में अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण अनेक कष्ट पाता है। अनंत भगवान अनंत व्रत से सविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति होती। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय। अनंत भगवान की कथा जो सुनता है और विधिवत पूजा करता है, उसे कभी धन धान की कमी नहीं होती और अनंत भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं।